पिछले रविवार को जो हमने बुरी खबर सुनी, आप क्योंकि ये आउटसाइडर और इनसाइडर वाली बात जो है, ये आपको लगता है कि ये अब इसका कुछ चैप्टर पलटेगा? सर कुछ नहीं पलटेगा, वैसे ही रहेगा। मैं जो जिसकी पहचान है, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको एक फोन करूंगा, सर मेरा एक काम है, यार मेरा कोई बेटा, मेरा कोई दोस्त मिलना चाहता है, उसे जरा स्टूडियो घुमा दीजिए, आप फटाफट घुमा देंगे। जो जिसकी पहचान नहीं है वो सड़क पे, वो गेट पे खड़ा शायद वॉचमैन को 50 रुपए देने की कोशिश करेगा कि मैं अंदर से स्टूडियो घूम जाऊं। जिसकी जो पहचान है उसका फायदा हमेशा हर इंसान उठाएगा। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसके लिए शायद आसान होगा स्टूडियो में घुसना। मैं फिल्म सिटी में पहली दफा गया था तो मैं 300-400 रुपए किसी को रिश्वत दिया था वॉचमैन को जो बाहर गेट पे खड़ा हुआ, तो मेरी फिल्म सिटी में एंट्री हुई थी। अभी मैं जाता हूँ तो सब सलाम मारते हैं, तो ये तो कभी बंद नहीं होगा। जिसकी जो पहचान है उसका वो फायदा जरूर उठाएगा, जिसकी पहचान नहीं है वो उसका धोखा जरूर खाएगा। तो आप तैयार होके आए कि आप इतने मजबूत हैं कि आप इस सिस्टम को झेल पाए, और अगर आप झेल पाएंगे तो आप टिकेंगे, नहीं झेल पाएंगे तो आप नहीं टिक पाएंगे। जब आपने सुशांत की खबर सुनी तो आपके मन में क्या चला? सर मुझे दुख हुआ, मुझे लगा कि एक इंसान जो इतनी मेहनत करके ऊपर आया, इतनी मेहनत करके इतना मुकाम हासिल किया, अचानक एक ऐसा थॉट, एक ऐसा कदम उठाया कि सब कुछ जीरो हो गया। सब कुछ लगा कि यार मेरे साथ वो जिम में वर्कआउट भी करते थे सुशांत, मैं उसको बहुत समय से जानता हूँ जब वो टेलीविजन में था। तो एक जो जर्नी थी आपके एक परिवार के साथ, आपकी एज एन एक्टर, आप एज एन इंडिविजुअल, आप एज ए ह्यूमन बींग, वो जर्नी का जो अंत है वो इतना खराब नहीं होना चाहिए था। वो एक कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग होना चाहिए था लोगों को। बड़े लोगों के दिल टूट गए होंगे, बड़े माओं के दिल टूट गए होंगे कि यार हम बच्चे को भेजे ना भेजे मुंबई में, वो कहीं ये दोबारा एपिसोड वापस तो नहीं हो जाएगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं मुझे लगता है कि एक फादर जो इतना दूर बैठा थे बिहार के अंदर, उनको अपने बेटे की ये खबर सुन के यहाँ पर आना पड़ा। अस्थियां बहाते हुए मैंने उनके विजुअल देखे, उससे बड़ा बुरा काम मुझे लगता है कि न्यूज़ नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारे लोगों का विश्वास टूटेगा भी, और हमें टूटने नहीं देना है। हमें, मैं यही बोलता हूँ कि हमें एक इंसिडेंट को एक एग्जांपल जिंदगी का मत बनाएं कि उनके साथ ऐसा हुआ हमारे साथ भी ऐसा होगा। हमें वो एग्जांपल बनाने हैं कि नहीं, अगर लाखों लोग आए, करोड़ों लोग इस मुंबई शहर में इन 50 सालों में आए सिनेमा के इतिहास में, तो शायद एक अगर या दो खबरें ऐसी बुरी आई हैं लेकिन हजारों अच्छी भी हैं, तो इसको पॉजिटिव लेके आना पड़े ताकि लोग दिल ना अपना छोड़े और एग्जाम्पल बने। एग्जाम्पल बने तो सोनू सूद जैसे बने, पता नहीं सर मेरे जैसे तो नहीं, पर मैं यही कहूंगा मैं थोड़ा मजबूत जरूर था सर। आई डोंट नो कि मैंने जब आया था तो मुझे कई लोग बोलते थे कि आपको लगता है आप कर लोगे, तो मुझे इतना पता था कि मैं बनूंगा, मैं कर जाऊंगा, मैं टिका रहूंगा। मैं कितनी भी मुश्किलें आई मेरे पास, बड़ी फिल्में करने के बाद ही मैंने 2-2 साल कोई फिल्में नहीं साइन की, पर मुझे पता था कि मैं टिका रहना है। और मैं शायद दुआएं भी थी सर मेरे साथ, माता पिता की दुआएं थी, परिवार वालों का साथ था, इसके कारण भी टिका रहा।